हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ के बैक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई हम 14.5 इंच रखेंगे, शोल्डर रखेंगे 5 इंच, आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच और ये ब्लाउज़ 34 साइज पे है, 34 साइज पे। 34 का 1/4 लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर का 1/4 लेंगे, 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए। गले का निशान लगाएंगे, गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और गले का लंबाई 10 इंच रखेंगे और नीचे से भी 2.5 इंच पे इस तरह से निशान को बराबर में मिला देंगे। ऊपर की तरफ भी निशान को मैंने बराबर में मिला दिया है। अब इसी शेप पे हम गले का शेप दे देंगे। इस तरह से गले का शेप मैंने कर दिया है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी तरह से मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मेन कपड़े पर भी मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब दोनों कपड़े को बराबर में इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे और गले के साइड हमें पिनअप कर लेना है इस तरह से। तो देखिए, चारों तरफ मैंने अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब गले पे हम सिलाई करेंगे, तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, गले की सिलाई मैंने कर ली है। अब साइड से, गले की साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करेंगे। तो इस तरह से पूरे कपड़े को हमें, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और पूरे गले पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेना है, ताकि जब हम अस्तर वाले कपड़े को दूसरे तरफ पलटेंगे तो हमारा नेक का डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आए। छोटे छोटे कट्स मैंने लगा लिया है। अब अस्तर वाले कपड़े को दूसरे तरफ पलट लेंगे। तो देखिए, मैंने अस्तर वाले कपड़े को दूसरे तरफ पलट लिया है। अब ऊपर से हमें टॉप स्टिच एक लगा लेना है। टॉप स्टिच मैंने अच्छे से लगा दिया है और गले की सिलाई हो गई है। अब दोनों कपड़े को उल्टे तरफ हमें पलट लेना है। साइड की सिलाई करेंगे। तो इसके लिए देखिए, साइड से हमें अच्छे से फैलाते हुए दोनों कपड़े को रखेंगे और साइड से सिलाई करते हुए दोनों कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, साइड से मैंने दोनों कपड़े को जॉइंट कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकला है इसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और अब हम इस पर टक्स की सिलाई करेंगे। साइड से इसे फोल्ड करेंगे और फिर टक्स की सिलाई करेंगे। टक्स की लेंथ 4 इंच रखनी है। इसी तरह से अब हम दूसरे तरफ भी टक्स की सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ टक्स की सिलाई मैंने कर ली है। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेंगे और ऊपर की तरफ कमर पट्टी को इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, कमर पट्टी को मैंने सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। अब कमर पट्टी को इस तरह पलटना है और कमर पट्टी को ऊपर से ही एक सिलाई करनी है। पट्टी को ऊपर से मैंने सिलाई लगा दिया है। अब पट्टी को उल्टे तरफ फोल्ड करना है और इस पर रफ स्टिच लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर रफ स्टिच लगा दिया है। अब इसे साइड करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए, यानी अब हमें एक पट्टी लेनी है, उड़ेब पट्टी। इस तरह से फोल्ड करते हुए साइड से इसे सिलाई करके जॉइंट करना है। इससे अब हम पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए, सिलाई मैंने लगा दिया है। अब बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट को हमें उल्टे तरफ करते हुए इस तरह से रख लेंगे पहले, और फिर जो हमने पट्टी सिलाई की है इस पट्टी को हमें नीचे की तरफ इस तरह से रखना है और इस तरह से सिलाई करते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही सिलाई करनी है। यानी जितनी भी चौड़ी आप पट्टी का विड्थ रखना चाहते हैं उतना ही सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पट्टी को अच्छे से जॉइंट कर लिया है और अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और फिर सीधे तरफ इसे पलट लेना है और दूसरे तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पाइपिंग के जैसे बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें फोल्ड करते हुए दूसरे तरफ पाइपिंग के जैसे पूरे डिज़ाइन पे, यानी पूरे गले पे हमें पाइपिंग बना लेना है। तो देखिए, पूरे गले पर मैंने अच्छे से पाइपिंग को बना लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को भी कट करेंगे। तो इसे अब हम साइड करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए एक पट्टी लेंगे। पट्टी का विड्थ 2 इंच रखनी है, चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और इसे भी साइड से फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साइड से सिलाई करते हुए पट्टी को जॉइंट कर ली है। अब इसे किसी चीज़ की मदद से सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब हाथ से इसे बराबर में इस तरह से कर लेना है। हाथ से इसे बराबर में इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए, इसे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इसे कट करना है। तो 3 इंच की लेंथ रखते हुए हम इस पट्टी को कट करेंगे।
बराबर में इसी तरह से 3 इंच पर फोल्ड करते हुए पट्टी को कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से पट्टी को कट कर ली है, तो इससे अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो साइड से देखिए जिस तरफ हमने सिलाई किया है, जॉइंट वाला साइड है, उस तरफ से सिलाई नहीं करनी है, दूसरे साइड से इस तरह से सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए इसे अच्छे से गांठ लगा देंगे, तो देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से देखिए हमें और डिज़ाइन बनानी है, तो मैं और एक डिज़ाइन आपको बना के दिखाती हूँ ये डिज़ाइन हमें किस तरह से बनानी है। तो आपको समझ में आ रही होगी ये डिज़ाइन हमें किस तरह से बनानी है। तो इसी तरह से हम सारे डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बना लिया है, तो इसे साइड करते हैं। अब जो हमने गले का शेप कट किया था, इस वाले गले का शेप को ले लेना है और इस तरह से इस पर हमें ड्रॉ करना है डिज़ाइन के लिए। अब इसी डिज़ाइन पे यानी इसी ड्रॉ पे हमें इसे कट कर लेना है। और अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पेपर पेस्टिंग चाहिए। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और ऊपर से इस वाले डिज़ाइन को रखेंगे और देखिए इस पर एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। और दोनों तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, ऊपर की ओर से और नीचे की ओर से सिलाई करने के लिए। और इसी ड्रॉ पे अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने अच्छे से कट कर ली है। अब हमें अस्तर वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक का कपड़ा लेना है। दोनों कपड़े को बराबर में इस तरह से रखेंगे और जो हमने नेक का ये पार्ट पेपर पेस्टिंग का कट किया है, इसे भी इस तरह से रखेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर से ही सिलाई करते हुए कॉर्नर से सिलाई करेंगे और इसे जॉइंट करेंगे। ऊपर से सिलाई हमने कर ली है, अब नीचे की तरफ से भी सिलाई करेंगे इस तरह से। तो देखिए एक तरफ जैसे हमने सिलाई किया, इसी तरफ भी सिलाई करना है इस तरह से। तो दोनों तरफ देखिए सिलाई लग चुकी है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ कट्स लगा लिया है, अब इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए किसी चीज़ की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से इसे मैंने सीधा कर लिया है, हाथ से इसे बराबर कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बराबर में आ जाएगा। तो अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट कलर में इस तरह से लेस को रखना है और साइड से सिलाई करते हुए लेस को इस पर जॉइंट कर लेना है। ऊपर के साइड लेस को मैंने लगा दिया है, इसी तरह से अब इस साइड भी लेस को लगाएंगे। लेस को रखेंगे बराबर में और सिलाई करते हुए लेस को जॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए मैंने दूसरे साइड भी लेस को लगा लिया है, अब इसे साइड करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए हमें स्क्वायर पीस लेना है। स्क्वायर पीस का चौड़ाई दोनों तरफ से 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और इसे इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से इस तरह से और सिलाई कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनानी है, आपको समझ में आ रही होगी। देखिए कॉर्नर से इसे फोल्ड करना है, डबल फोल्ड इस तरह से, और फिर साइड से सिलाई करते हुए इसे जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से सारे डिज़ाइन को हमें बना लेना है। तो देखिए मैंने सारे डिज़ाइन को अच्छे से बना लिया है, अब इसे कट कर लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा धागा है इसे भी कट कर लेंगे इस तरह से। और अब ये डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह से बनानी है। इसे देखिए एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और फिर सेंटर पे इसे सिलाई करते हुए रफ स्टिच लगाएंगे सेंटर पे, ताकि हम बाद में सिलाई को खोल सकें। तो देखिए मैंने सेंटर पे रफ स्टिच लगा दिया है। अब जो हमने डिज़ाइन बनाया है बकरम वाला, इस वाले डिज़ाइन के नीचे हमें इस वाले डिज़ाइन को रखना है और इसे साइड से सिलाई करते हुए इसे जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे साइड से सिलाई करते हुए जॉइंट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन बन चुकी है, इसे साइड करते हैं। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और सेंटर से फोल्ड करते हुए इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए ऊपर की ओर से हमें थोड़ी सी दूरी पर यानी 1 इंच करीब में हमें दूरी पर इस तरह से चौक से निशान लगाना है। और अब इसे उल्टे तरफ पलटेंगे और हाथ से इसे डैब डैब करेंगे, ताकि जो ये निशान हमने लगाया है ये दूसरे तरफ भी बराबर में आ जाए। तो देखिए दोनों तरफ निशान बराबर में आ गया है, इस तरफ भी। अब इसे भी हमें अच्छे से इस पर ड्रॉ कर लेना है चौक से इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वाले डिज़ाइन को हमें ले लेना है और जो हमने निशान लगाया है, निशान के ऊपर बराबर में इस वाले डिज़ाइन को बराबर में रखेंगे और निशान के ऊपर से ही हमें सिलाई करनी है इस तरह से। तो इसी तरह से पूरे निशान पे इस वाले डिज़ाइन को अच्छे से बराबर में रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए सारे डिज़ाइन को मैंने बराबर में इस तरह से सिलाई करते हुए जॉइंट कर लिया है।
अब साइड से एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करेंगे। इसके ऊपर अब हम लेस लगाएंगे। कॉन्ट्रास्ट कलर में लेस को लेंगे और डिज़ाइन के कॉर्नर पे हमें इस तरह से लेस को रखना है और घुमाते हुए सिलाई करते हुए लेस को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने पूरे डिज़ाइन पे अच्छे से लेस को अच्छे से सिलाई करते हुए जॉइंट कर लिया है। अब लेस के दूसरे साइड से भी सिलाई करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। लेस को अच्छे से मैंने सिलाई कर लिया है। अब एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग वाले डिज़ाइन को बनाया था इस वाले डिज़ाइन को ले लेना है और इस साइड देखिए गले के साइड हमें इस तरह से नीचे की ओर रखना है और इस पर पिनअप कर लेंगे और साइड से सिलाई करते हुए इसे अब जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए पहले पिनअप कर लेना है और फिर सिलाई करते हुए इसे जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई करते हुए इसे अच्छे से बराबर में जॉइंट कर ली है। अब एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारी बन चुकी है। अब सेंटर पे चाहे तो आप कोई भी सो बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये ब्लाउज़ के बैक डिज़ाइन बनके कंप्लीट है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।